और दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें, धार से जहां पर एक टक्कर हुई है, उसकी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। धार से जहां पर सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई है, धार से उसकी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई है। अज्ञात वाहन ने स्कूटर सवारों को टक्कर मारी है, जिसमें दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। धार से उसकी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अज्ञात वाहन ने स्कूटर सवारों को टक्कर मारी और मामले की जांच में पुलिस इस वक्त जुटी हुई है। इस सब की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। इस सब की बड़ी खबर धार से, जहां अज्ञात वाहन ने स्कूटर को टक्कर मारी, जिसकी वजह से दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। इसकी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सड़क हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। एक अज्ञात वाहन ने स्कूटर सवारों को टक्कर मारी, जिसमें दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता योगेंद्र फोनलाइन पर जुड़ गए। योगेंद्र, क्या कुछ अधिक जानकारी आपके पास? जी, इंदौर अहमदाबाद जो नेशनल हाईवे होता है, उस पर धार के समीप स्कूटर सवार इंदौर की ओर जा रहे थे, उन्हें अज्ञात किसी वाहन ने टक्कर मारी है। टक्कर इतनी जोरदार हुई कि दोनों लोगों की स्पॉट पर ही मौत हो गई है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद योगेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, धार से की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई। एक अज्ञात वाहन ने स्कूटर सवारों को टक्कर मारी है और इसमें दोनों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है कि आखिर अज्ञात वाहन कौन सा था, किसने इनको टक्कर मारी है। आपको बता दें, सबकी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं धार से, जहां अब फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। और साथ ही आपको बता दें कि दोनों स्कूटर सवारों की मौके पर ही मौत हो गई है। और